सबकी मैंने जाएगा उधर, दिन टूट गया है, अब हमको जाने में काफी समय लगेगा। दस सालों से मुंबई के भिवंडी में रहकर पावर लूम का काम करने वाले मुस्तकीम साल में बस एक बार ईद के समय ही घर आते हैं। इस बार भी वह ईद के वक्त ही घर आए हैं, लेकिन हालात इस बार बदले हुए हैं। केंद्र सरकार द्वारा प्रवासी मजदूरों के लिए श्रमिक ट्रेनों की घोषणा होने के बाद मुस्तकीम ने अपने साथी समीम के साथ इन ट्रेनों के लिए रजिस्टर किया, लेकिन एक सप्ताह गुजर जाने के बाद भी उन्हें ट्रेन का टिकट मिलने का कोई संदेश नहीं प्राप्त हुआ। इसके बाद वह पैदल ही मुंबई से खलीलाबाद के लिए निकल पड़े। कहीं वह पैदल चले तो कहीं कुछ दूरी के लिए उन्हें ट्रक मिला। इस तरह उन्होंने एक हफ्ते में 1500 किलोमीटर की दूरी पूरी की। मोबाइल में टिकट के लिए किए गए आवेदन का मैसेज दिखाते हुए मुस्तकीम कहते हैं, सब कुछ ओके था, चार चार बार वहाँ पे फार्म वार्म जमा हुआ, लेकिन फिर भी कोई मतलब कार्रवाई नहीं हुई। ये हम करीब एक हफ्ता पहले का है। उसके बाद कुछ आपके पास कुछ नहीं आया, फिर आपको मजबूरी में कब आप चले थे? ये इसको हम अगोरे करीब करीब 6-7 दिन, जब कुछ नहीं हुआ, फार्म वार्म जमा करके थक गए, कुछ नहीं बचा, फिर मजबूरन सोच लेके मतलब पैदल ही निकलना पड़ेगा। तो मतलब बॉर्डर पे आए तो मतलब गाड़ी वाले लोग आ रहे थे, उनके सहारे से थोड़ा इधर थोड़ा उधर करके ऐसे ऐसे करके हम लोग आए। हालांकि प्रेम साहनी मुस्तकीम की तरह उतने बदनसीब नहीं थे। उन्हें सरकार द्वारा चलाई जा रही श्रमिक ट्रेन का टिकट तो मिल गया, लेकिन मुफ्त टिकट के सरकारी दाव के उलट उनसे 620 रुपये वसूले गए, जो कि टिकट पर लिखे 500 रुपये से भी 120 रुपये अधिक था। उनसे कहा गया कि 120 रुपये के बदले उन्हें ट्रेन में खाना पानी मिलेगा, लेकिन 24 घंटे से अधिक की यात्रा में उन्हें सिर्फ छाछ, नमकीन और पानी का बॉटल मिला। प्रेम साहनी गुजरात के अहमदाबाद से पूर्वी उत्तर प्रदेश के मगहर आए हैं। 500 रुपये टिकट तो भाड़ा है, 620 रुपये दिए थे। 120 रुपये का खाना उन्हें दिया था, पानी केवल मिला था, वहाँ पे छाछ मिला था और पानी मिला था। मुंबई, सूरत, दिल्ली, NCR जैसे महानगरों में रहकर अपना गुजर बसर करने वाले पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के प्रवासी मजदूरों के रिवर्स माइग्रेशन का सिलसिला बदस्तूर जारी है। प्रधानमंत्री द्वारा लॉकडाउन 4 का संकेत देने के बाद शहर से आने वाली प्रवासी मजदूरों की संख्या लगातार बढ़ी है। नेशनल हाईवे 27 पर इन मजदूरों का रेला सा लगा हुआ है। कोई ट्रक की छत पर बैठकर आ रहा है, तो कोई बस पर, तो कोई ट्रेन से, और जिन्हें यह सुविधा नहीं मिल रही वह साइकिल या पैदल ही निकल ले रहे हैं। मोहम्मद अशरफ भी अपने 9 साथियों के साथ मुंबई से पैदल आ रहे हैं। उन्हें बिहार के अररिया जाना है। एक ट्रक वाले ने उन्हें कुछ दूरी के लिए लिफ्ट दिया, बाकी की यात्रा उन्हें पैदल ही करनी होगी। अशरफ ने बताया कि लॉकडाउन के इतने दिनों के बाद भी उन्हें सरकार की तरफ से राशन और पैसे का कोई सहयोग नहीं मिला था, जबकि उन्होंने और उनके साथियों ने बिहार सरकार द्वारा राज्य से बाहर रह रहे मजदूरों को दिए जा रहे 1000 रुपये के मजदूर भत्ते के लिए अप्लाई किया था। और कहीं कुछ सरकार कह रही है हम राशन भेजवा रहे हैं या पैसा भेज रहे हैं, बिहार सरकार तो 1000 रुपया भी भेज रही है। इंटरनेट पे रजिस्टर किए थे? इंटरनेट पे सब कुछ किए, नहीं मिला था। परदेश से आ रहे इन मजदूरों में से अधिकतर का कहना है कि वह बाहर नहीं जाएंगे। बहुत ज़्यादा मजबूरी हुई तब भी उन्हें इसके लिए काफ़ी सोचना होगा। अब फिर से अगर सब सही हो जाएगा तो जाना है? अब कि मैंने जाएगा उधर, इधर ही अपना मतलब कोई धंधा खोलेगा, मतलब भाजी वाजी सब, कोई भी भाजी मतलब सब्जी। अब नहीं मन, नहीं जाने का उधर, मन उखड़ गया। हाँ बस इधर ही अपने यूपी में ही रहने का। अब जाना पड़ेगा भाई, गाँव में रह के क्या करेंगे हम? कहाँ खेती होती नहीं? नहीं खेती होती नहीं, सिर्फ मजबूर तो है। अच्छा, खेती होती तो जाते ही नहीं, काम क्या? अब हमको कम से कम 1-2 साल पहले बैठ के सोचना होगा। जिस स्थिति से हम गुजरा हूँ उसे हमको बहुत सोचना होगा। यहाँ परिवार में भी साहब अफरा तफरी का माहौल, जब सुनते थे लोग कि खाना ही नहीं मिल रहा है, कोई व्यवस्था ही नहीं है और पैसे भी पास में नहीं है, तो साहब सबका जो है कि दिल टूट गया है। अब हमको जाने में काफ़ी समय लगेगा। हाईवे पर चल रहे इन मजदूरों के लिए जगह जगह पर कुछ लोगों द्वारा खाने और पानी का इंतजाम किया गया है।
मजदूर ऐसी जगहों पर रुक कर सुस्ता रहे हैं और अपनी भूख प्यास मिटाकर आगे की यात्रा के लिए फिर से निकल रहे हैं। तो कैसे आओ आप वहाँ? हाँ, ट्रक वाला भाड़ा लिया 3,000 रुपये। एक आदमी का 3,000? एक आदमी का 3,000। जो बिहार सरकार है, नीतीश सरकार, 1,000 बोल भिजवाई है? नहीं नहीं, कुछ नहीं दिया है। अच्छा, कुछ पैसा नहीं दिया। अब यहाँ से कैसे जाएंगे? अब यहाँ से तो अभी चलेंगे पैदल, फिर जिधर अभी बोलेंगे, जिधर मिलेगा गाड़ी उधर बैठेंगे। अच्छा, और अगर फिर ये सब जब खत्म हो जाएगा तो फिर से जाना है बाहर? बाहर अभी तो नहीं, अभी बाद में देखा जाएगा। ऐसे ही एक जगह पर सुस्ता रहे हमें 1.5 साल की प्रीति और उनके माता पिता मिले। प्रीति के पिता रामलाल ने बताया कि उन्हें और उनकी पत्नी को तो खाना खाने को मिल जा रहा है, लेकिन उनकी बेटी के लिए दूध नहीं मिल पा रहा। 5 दिनों की यात्रा में उन्हें सिर्फ 1 दिन ही दूध मिला है, बाकी जगहों पर उन्हें बिस्कुट से ही काम चलाना पड़ा है। थोड़ा सा दूध मिला था। कितने दिन? 5 दिन में कितना दिन दूध मिला? एक दिन मिला। NH27 से दया सागर की रिपोर्ट गांव कनेक्शन के लिए।